प्यारे कानूनी अधिवक्ताओं, आपको सत सत नमन। आज दिनांक 17/10/2023 को हम आपसे साझा कर रहे हैं एक कंप्लेंट। 91 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन फाइल करी गई धोनी न्यायालय में, डीजे ऑफिस में, जिसमें डायरी नंबर 249/19 डेटेड 18/19 प्रोवाइड कराया गया और 39 पेज की ये एप्लीकेशन, जिसके अंदर 50 कॉलम थे जिसके अंदर, जिससे ये बात रिफ्लेक्ट होती थी, 50 सीरीज के अंदर 6 कॉलम थे जिसमें स्पेसिफिक मेंशन किया था कि सीनियर डीपीएस की रिक्वायरमेंट क्यों है। 18/19 को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन फाइल करी गई थी धोनी न्यायालय में, लेकिन कोर्ट स्टाफ ने फाइल ही गायब कर दी, जिससे कि उसके ऊपर हियरिंग ना हो पाए और कोर्ट कोई ऑर्डर ना कर पाए। ये बड़ी एक समस्या रही है कि जब रानीबाग पुलिस वाले के खिलाफ कोई भी केस होता है तो पता नहीं वहाँ के नायब कोर्ट क्या जादू करते हैं, पुलिस क्या जादू करती है, ये क्या होता है, कंप्यूटर से ऑर्डर गलत टाइप होने शुरू हो जाते हैं, क्या कुछ समझ में नहीं आता। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स हैं जो चेंज हो गए या उनमें बहुत सारी ऐसी गलती है जिससे ऑर्डर की सेंस ही चेंज हो गई, और कोर्ट स्टाफ का ये रहा है कि फाइल गायब बहुत सारे केसेस में, और कोर्ट एक लंबी डेट डाल देती है बजाय 2 दिन की 1 दिन की 3 दिन की डेट डालते ही देखते कि सीनियर जीपी से एविडेंस डिस्ट्रॉय होने वाला था। अर्ली हियरिंग 91 सीआरपीसी की थी, लेकिन लंबी डेटें पड़ती रही। लिहाजा बहुत लंबे समय के बाद 24 मार्च 2022 को 113 नंबर कोर्ट अनुज कुमार सिंह जज साहब ने ऑर्डर किया और 48 पेज कैरवी ऑफिसर जितेंद्र रानीबाग को सप्लाई कराए गए रिसीविंग की एक्नॉलेजमेंट की उसके ऊपर कंडीशन के ऊपर, और वो दिए गए। उसके बाद 5/5/22 को पहली बार एसआई रोहित मोर जिसको चंद्रशेखर डोरीसैन के 2 पेजी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करी, जिसके अंदर बिल्कुल वेगू और वेसलेस बातें थी। ये सीनियर जीपीएस में इंसिडेंट ब्रीफ किया गया 10/1/18 से 1/7/18 के बीच के अंदर, और इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये बात बोली रोहित मोर ने कि जो ये जो रिपोर्ट है कि इसके अंदर उसने बात बोली कि ये एक अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है, कि वो इस पर इसका सेटलमेंट करेगी। 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन है सीनियर जीपीएस की, और पीएस रानीबाग ने जो एविडेंस 23/1/18 को 23/1/19 को ख़त्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 24/1/19 को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, 3/2/19 को डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और 18/1/19 को एप्लीकेंट पहुंच गया था, इसलिए अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन थी, लेकिन कोर्ट ने और उन्होंने कोई फोकस नहीं किया। इसके बाद चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उसने ये बात बोला कि इस केस के अंदर आईओ लक्ष्मीनारायण सैनी है जो कि पांडव नगर में ट्रांसफर हो गया, जो कि एक फॉल्स इनकम्पेटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनिपुलेटेड रिपोर्ट थी। कोर्ट को न्यायालय को कई बार बताया गया, लेकिन कोर्ट ने इस बात को समझ में लेने में असमर्थ रही, क्योंकि रानीबाग पुलिस जब भी आती है तो एक ऐसा काला जादू जानती है जिससे कि कोर्ट के अंदर बहुत सारी उस टाइम कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। कारण क्या है इसके, ये तो कोर्ट की टीम देखेगी, रजिस्ट्रार साहब देखेंगे, विजिलेंस के रजिस्ट्रार साहब देखेंगे कि ऐसा जादू कैसे करते हैं पुलिस वाले, और इनके पीछे ऐसी कौन सी शक्ति है कि सब कुछ ये उठक पटक करते हैं, जो चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है उसको भी कोर्ट नहीं समझ पाती। और इसके बाद इस रोहित मोर ने पूरी तरीके से मिसलीड किया, कोर्ट को बताया गया कि इसने जो रिपोर्ट दी है ये हाई कोर्ट के रूल्स का वायलेशन है, इस तरह की रिपोर्ट को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था रीडर साहब को, लेकिन वो एक्सेप्ट करनी गई, और इसको बहुत लंबे समय तक साल भर तक इसकी सर्टिफाइड कॉपियाँ नहीं प्रोवाइड करेगी। ज़्यादातर ऑर्डर जज साहब ने इसके हैंड रिटन थे, इसलिए उस टाइम के जो रीडर थे राजकुमार, उसने कॉपी सप्लाई नहीं करी, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड कॉपियाँ, वो भी एक कंटेंट था। इसके बाद इसके अंदर बहुत लंबी हियरिंग चलने के बाद 2/22 को ऐसे परमिंदर रानीबाग थाने का, जिसको ड्यूली सेंड किया SHO रानीबाग मनोज कुमार ने, जिनको 3/1/23 को लाइन हाजिर कर दिया गया DCP साहब को कोई ऑर्डर ना मानने के लिए प्रॉपर सिक्योरिटी में। उन्होंने भी इस रिपोर्ट के अंदर ये बात नहीं बताई, साइलेंट रहे कि 91 CRPC की एप्लीकेशन है CDR GPS सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, कि जो रानीबाग पुलिस ने 24/1/18 को डकैती डाली, अपहरण किए, फोर्सफुल एंट्री पास किया, ऐसे बहुत सारे फर्जी DD एंट्रियाँ करी, फर्जी स्टोरियाँ बनाई, जिसमें SHO रानीबाग शामिल था और ACP राजा बंटिया वगैरह काफ़ी सारे लोग थे, उस चीज़ को साबित करने के लिए ये एक रिमेनिंग एविडेंस रह गया था, क्योंकि पुलिस ने CCTV फुटेज प्रसम नहीं करी, पड़ोसियों के बयान नहीं लिए, कुछ भी नहीं किया। तो ये सब करने के बाद जब हुआ तो उसमें ये बात बोलता है कि इसका पालम गाँव में PS पालम में ट्रांसफर हो गया LN सैनी के बारे में ये कहते हैं, जबकि LN सैनी को ये डॉक्यूमेंट भी सप्लाई नहीं हुए, क्योंकि 29 मार्च 2022 को पहली बार डॉक्यूमेंट पुलिस को मिले, जो कि मिले रोहित मोर को और ऐसे परमिंदर को, झूठी रिपोर्ट दे रहे हैं कोर्ट को। इसके बाद देखो कि आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन थे, कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑर्डर्स थे वो जानबूझकर कंप्लायंस नहीं करे गए, कोर्ट को मिसलीड किया गया कि इसके अंदर आईओ LN सैनी है, जबकि 5/5/22 को रोहित मोर और चंद्रशेखर थे, और उसके बाद परमिंदर और क्या कहते हैं मनोज कुमार साहब थे, और अब पता नहीं प्रेजेंट में कौन है इसका आईओ ये पता ही नहीं है।
और ये परमिंदर के बहुत सारे कोर्ट में ऑब्जर्वेशन में लिख भी चुकी है अदर एप्लीकेशन के अंदर कि ये मिसयूज ऑफ फास्ट सपोर्ट होता है। इवन डीसीपी आउटर के खिलाफ भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट लिख चुकी है कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी रिप्लाई दे रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर से कंप्लाई नहीं कर रहे, और ये सीधा सीधा 11, 12 और 2AB के अंदर कंटेंट ऑफ कोर्ट का मैटर है, विलफुली डिसओबे ऑर्डर का मैटर है। और फिर मैंने कोर्ट को बताया कि जो एलन सैनी की कोई सीरियल था नहीं, वो पर्सनल मोबाइल की सीरियल थी सिर्फ, और उस मोबाइल की सीरियल भी 19/10/2020 को सप्लाई करी गई इन कंप्लायंस ऑफ 23/9/2020 के ऑर्डर में राकेश कुमार ASJ साहब 409 कोर्ट के ऑर्डर को, और उसके अंदर भी ये ऑब्जर्वेशन आ गया कि इसमें इनकम्प्लेंट और फॉल्स इनकम्प्लेंट और जो है फॉल्स वो दिए सीरियल GPS फैब्रिकेट दिए अलोंग विद 65 भी सर्टिफिकेट साथ, जो कि 195 IPC का में ऑफेंस है। विक्रम कुमार ASJ रोनी कोट 409 का ऑब्जर्वेशन 109/23 को ये भी आ चुका। लेकिन पुलिस तो जैसे कि बल रानीबाग पुलिस के पास पता नहीं कौन सी शक्ति काम कर रही है कि किसी कोर्ट का ये ऑर्डर का सम्मान नहीं करते, और एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। कोई भी ये अपनी उस शपथ को नहीं मानते जिसमें लिखा कि विधिवत आदेशों का पालन करेंगे, बस ये एक प्राइवेट ऑफिस बन के रह गया कि एक पुलिस वाला एक एरेंडर कर पुलिस ऑफिसर को बचाने में दूसरा पुलिस वाला लगा होगा, यही सब चल रहा है इसके अंदर। इनको अगर कोई बात बोले फिर ये कहता है कि हमने कॉपी सीरियल लोकेशन जो SHO रानीबाग के ईमेल कंपनी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से रानीबाग SHO के उसके ऊपर आई, उसको कह रहे हैं हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे परमिंदर ये बात कहता है कम से कम अलग अलग डिफरेंट कोर्ट्स में, अरे किस चीज़ की ट्रेस कर रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो, कहाँ पर ट्रेस किया, कैसे ट्रेस किया, ये देखो कि वो जो ईमेल ओरिजिनल कंपनी से आया था वो डिलीट कर दिया गया या क्या हुआ। 14/1/2020 को ऐसे ही राजगढ़ DIU आउटर डिस्ट्रिक्ट से कोर्ट वो मांग रही है सीरीज की एक्सप्लेनेशन, 113 नंबर कोर्ट, वहाँ पे राजगढ़ DIU आउटर डिस्ट्रिक्ट ने सप्लाई नहीं किया और वो गायब भी हो गया कोर्ट से। कहने का मतलब ये है कि आप ये देखने वाली गंभीर विषय है कि पुलिस वाले किस तरीके से कोर्ट के आदेशों का अपमान कर रहे हैं, कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हैं और झूठी मिसलीड रिपोर्ट दे रहे हैं और कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। और ये जो सीरियल GPS पर्सनल मोबाइल की थी ये भी 4/1/19 को ऑर्डर किया गोपाल कृष्ण 109 नंबर सामने, उसको भी इन्होंने माना नहीं। उसके लिए जब 23/1/19 रिपोर्ट मांगी थी तो 22/1/19 को एप्लीकेंट एक डेलीगेशन गया CPO मुल्ले पटनायक, राजीव रंजन एडिशनल CP जो उनके एसओ थे पुलिस हेडक्वार्टर में, डीसी को SP कुरुविला से मिले और सारे एविडेंस दिखाए सब कुछ दिए, उसके बाद जाके ये प्रिजर्वेशन हुई और इसके अंदर इन्होंने टेम्पर करके फाइल कर दिया। ये हालत है रानीबाग के पुलिस की। लक्ष्मी नारायण सैनी के खिलाफ अभी जानकारी में आया एक केस 30,000 कोर्ट में था MM 08 किशोर कुमार जी कोर्ट के अंदर, जो कि अब सेशन जज है, वहां भी एक इसके खिलाफ कोई केस चल रहा है जिसमें इन्होंने 15 के ऊपर इतना दबाव डाल दिया कि 3-3.5 साल से वो उस केस में अपीयर ही नहीं हो रहा 56 दिन में, क्योंकि जज साहब ने कुछ गंभीर टिप्पणी एलन सैनी के कंडक्ट को लेकर करी थी। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह के पुलिसकर्मी जब तक इस देश में थाने में रहेंगे, मैं तो चाहता हूँ कि इनके खिलाफ सीधा सीधा एक साधारण मुजरिम की तरह केस का इनके खिलाफ FIR दर्ज करने का बोध है और इनको टर्मिनेट किया जाए और इनकी संपत्ति जब्त करी जाए। क्लियर है कि एक बंदा रानीबाग थाने में 4-5 साल रहा और उसने बहुत सारे नियमों को तोड़ा, कोर्ट के आदेशों का मजाक उड़ाया, सबूत मिटाए अपने साथियों के साथ मिलकर, और उसके ऊपर बहुत सारी 56 दिन पेंडिंग है। 30,000 कोर्ट में 2019 का मैटर चल रहा है MM 08 किशोर कुमारी कोर्ट का, और इस आदमी का कॉन्टैक्ट कौन से हाई प्रोफाइल लोग इसके पीछे हैं जो इसको दो थाने का SHO लगा दिया, यहाँ रानीबाग से ट्रांसफर किया पाटनगर का और यहाँ से उसके बाद इसको ट्रांसफर करके लगा दिया पालमगांव का, और इसकी रिश्वतखोरी के बहुत सारे सबूत हैं। कभी कोर्ट में आके ये पॉइंट टू पॉइंट बात करते नहीं है, क्रॉस जो भी इनका होता है सामने रिकॉर्ड पे नहीं होता, इतने ज़्यादा भ्रष्टाचार और करप्ट ये आदमी है। मेरे पे तमाम सबूत हैं कि इसके निर्देशन में पुलिस वाले कोई बोरिंग होती है तो वहाँ पहुँचते हैं, बोलते हैं 5/15 पीरियड में चलान काट देंगे नहीं तो हमें पैसे दोगे। इतनी सारी बोरिंग इस थाने के अंदर हुई है जो रानीबाग थाने में पालम में पांडवनगर में आप रिकॉर्ड मंगा लो उसके टाइम के अंदर। ये आदमी बहुत सारे अपराधों में शामिल है। इनके कमिश्नर साहब ने कहा कि कोई पुलिस वाला कंस्ट्रक्शन साइट पर नहीं आएगा, हर पुलिस वाले के पर्स के अंदर कंस्ट्रक्शन के लेंटर की डेट तक लिखी हुई है, चेक करा लो इनकी मोबाइल कॉल डिटेल और इनकी लोकेशन, और इनके SHO को सारा इस बारे में पता होता है। तो ये इनके होटल 6/5/18 को 7 अग्निकांड हुए रानीबाग थाने में, 6/5/18 को मुख्य था जब रसोई गैस सिलेंडर रैकेट किधर उठ रहे थे B2 के अंदर, 50,000 वो थे क्या कहते हैं ये रेस्टोरेंट जो कि अनलाइसेंस थे, उनके टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन ये लोग नहीं करते, फिर एरिया के अंदर स्नैचिंग होती है कुछ भी होता है तो फिर ये करते रहते हैं, लेकिन पिक एंड चूज पुलिस एक्ट पे तरीके से काम करते हैं। ये सब चीज़ें मैं कहताऊँगा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। बहुत समय समय पर इनको जो है परमिंदर को व्हाट्सएप मैसेज ईमेल SMS टेलीफोन कॉलिंग करी गई, लेकिन ये बात बोलते हैं कि हमें विक्टिम जो है वो पिटिशनर जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा। किस तरह का ऑपरेशन चाहते हो, सारी दुनिया जानती है कि पुलिस थाने बुला के क्या, जबकि जितेंद्र जोशी रानीबाग थाना का मनोज कुमार और परमिंदर
7-8 बार थाने के अंदर बुला के एप्लीकेशन कर चुके हैं, इसकी भी आप जांच करा लो। एसीपी मंगलपुर विश्वपाल सिंह के ऑफिस के अंदर भी कई बार मेरे को मिल चुका, तो भी इनको कोई शर्म नहीं है। और ये परमिंदर जो है बहुत बड़े माफिया के तौर पर भर के आया कि सरकारी वर्दी के अंदर ये आदमी कोर्ट के आदेशों को नहीं मानता, फास्ट एंड फ्यूरियस कोर्ट देता है। और भी कई इसके ऊपर एलिगेशन हैं, लेकिन कोई भी आदमी इसके खिलाफ कुछ सुनने को दिया। अभी रिसेंटली इसने 2/23 को भी, अभी इधर 22/23 को भी इसने 107 नंबर कोर्ट में मिसलीडिंग रिपोर्ट दी है ऐसे रणवीर के साथ मिलकर। और ये बहुत गंभीर बात है कि उस कोर्ट में इसने आके बोला कि 14-20 का 14-20 के ऑर्डर के बारे में कोर्ट ने पूछा, तो कहता है कि मैंने प्रीवियस कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी, जबकि ऑर्डरशिप 13/4/23 की भी कोर्ट से वो कह रही कंप्लेंस करो। तो इस तरीके का कंडक्ट है। मैं चाहूंगा कि रोहनी कोर्ट के बार एसोसिएशन आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब, मंजित माथुर जी, प्रदीप खत्री जी और तमाम बबीता राणा जी, आशा तृप्ति आर्या जी, बहुत सारे लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी के अंदर हैं वहाँ पे, फिर विनय फोगाट जी, वो सब लोग इसको देखें, डीजे साहब इसका कंडक्ट देखें, दिल्ली पुलिस के मुख्यालय आदरणीय श्री संजय अरोड़ा जी और गृह मंत्रालय, लॉ मिनिस्ट्री, सब चीज़ इसको देखें। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट की इस आदमी का जब नाम यहाँ आई तो उसको संदेश देखें, पालम गाँव के लोगों का भविष्य कैसे चल रहा होगा इस करप्ट आदमी की वजह से। कोई भगवान ही जानता है कि ये जो ड्यूटी के ऊपर बैठ के अपराध करता है, अब इसकी उपेक्षा आप देखो अब कैसे हो सकती है, और थाना कोर्ट न्यायालय इसके बारे में क्या आदेश पारी करता है। इसके सदर जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी, जिंदाबाद।